अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको तकरीबन उर्दू के 300 फॉन्ट्स देने वाला हूँ और आपको तरीके भी बताऊंगा कि आपने किस तरह डाउनलोड करने हैं और किस तरह इंस्टॉल करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, इसके लिए सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और नीचे जो है आपको नजर आ रहा होगा डाउनलोड उर्दू फॉन्ट्स, सिंपली आपने लिंक पे क्लिक करना है और जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कंटेंट इज लॉक। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो नीचे सब्सक्राइब टू चैनल इस आइकन पर आपने क्लिक करना है, इस बटन पर, तो मेरा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करना है और उसके बाद ये टैब जो है वो आप क्लोज कर सकते हो। तो जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो अनलॉक क्यूआर लिंक का जो ऑप्शन है वो आ चुका होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव जो है ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में आपने डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है। तो इसके साथ जो जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो फॉन्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो सिंपली आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करना है और स्टार्ट करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और जो पासवर्ड है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली आपने ये वाला पासवर्ड जो है अपने कंप्यूटर में एंटर करना है। सिंपली उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है तो ये स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसको ओपन करना है और आल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने सारों को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स। और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नो कर रहा हूँ। आपने सारों को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने मिस वर्ड को ओपन करना है। और बाय द वे, अगर आप इस तरह की उर्दू लिखना चाहते हो कि आप रोमन उर्दू लिखें और वो डायरेक्टली नॉर्मल उर्दू में कन्वर्ट हो जाए, तो आप मेरे पिछले वीडियो जो है वो देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे फॉन्ट जो है वो आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा फॉन्ट अवेलेबल है, तकरीबन 300 फॉन्ट्स हैं। आप कोई भी जो है वो चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने इन फॉन्ट्स को किस तरह अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है और किस तरह उसको मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। तो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड थैंक यू।